हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कॉस्बेट जीएम क्रीम का रिव्यू। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बल वाले घंटे को दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्बेट जीएम क्रीम का यूज क्या होता है। तो बेसिकली कॉस्बेट यूज किया जाता है स्किन इन्फेक्शन में। बेसिकली आपको दाद हो, खाज हो, खुजली हो या फिर पट्टों के नीचे इन्फेक्शन हुआ हो, बेसिकली काच लगा हो, तो इस कंडीशन में इसको हम लोग यूज करते हैं। बहुत ही लाभकारी होता है स्किन इन्फेक्शन के लिए। और इसकी प्राइस की बात करें तो अभी जो हमने लिया है 25 ग्राम का ट्यूब है और आपको 30 रुपये में बहुत ही आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप आसानी से ले सकते हैं। बेसिकली इसमें कॉम्पोजिशंस की हम बात कर ले तो 3 मेडिसिन का कॉम्पोजिशंस होता है, क्लोबिटासोल, जेंटामाइसिन और माइकोनाजोल। जो इसमें क्लोबिटासोल होता है बेसिकली एक स्टीरॉयड होता है, यह क्या करता है बॉडी में केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है। जेंटामाइसिन एक एंटीबैक्टीरियल होता है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है। और तीसरा जो कॉम्पोजिशन होता है माइकोनाजोल एक एंटी फंगल होता है, ये क्या करता है स्टॉप कर देता है फंगाई के ग्रोथ को। तो बेसिकली कॉस्बेट जीएम बेसिकली 3 मेडिसिन का कॉम्पोजिशंस होता है। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो इसमें बेसिकली कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। नाउजिया हो सकता है, ईचिंग, थिनिंग ऑफ स्किन, ये कुछ बेसिकली कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं हाउ टू यूज। तो बेसिकली दिस मेडिसिन और एक्सटर्नल यूज, ये मेडिसिन एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। सबसे पहले आपको उस एरिया पे जहाँ पे लगाना होता है प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर वे में क्लीन एंड ड्राई कर लेना होता है। सबसे पहले आपको साफ कर लेना होता है जहाँ पे लगाना होता है और फिर उसको सुखा लेना होता है। आफ्टर दैट उस एरिया पे आप इस क्रीम को अप्लाई कर देंगे। जब उसकी एरिया पे अप्लाई करने के बाद आप अपना हाथ एक अच्छे सोप से धो लेंगे। तो इसको यूज करने का यही बेस्ट मेथड है। बेसिकली आपको एक टाइम यूज करना होता है, रात के टाइम आप यूज कर सकते हैं। और कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात होती है, नोटिस देने वाली, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन हो, ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो, ऐसे मदर्स या फिर ऐसे महिलाएं एक बार इसे यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर ले लें। विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के इसे आप यूज ना करें क्योंकि इससे नुकसान भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और आज की वीडियो में हमने दिया कॉस्बेट जीएम क्रीम का यूज। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए।